ये जी तरीका होता है। यो दूध लेने जा रही हो कहाँ से? अच्छा इधर से, उस घर से, ऐसे इधर साथ हम साये बैठे हुए हैं ना, वो घर नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ से ये बच्ची आई हुई है माशाल्लाह से, ये दूध लेने जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम है, तो अभी हम बना रहे हैं शाम का खाना। और आज हमारे यहाँ सारा दिन बारिश बरसती रही है और अभी रुकी है, तो हमने कहा हम जल्दी जल्दी खाना बना लें। और उस्मान ये देखे माचिस मुझसे लेके अपने अबू को दे दिया है, मैं आग जलाती हूँ उस्मान। तो ये देखे मैंने भिंडियाँ प्याज ये सब कुछ बना के रखा हुआ है, तो अभी आग जला के ना कहाँ जा रही है जोड़ी, हाँ खेलने के लिए, चलो जी चलाने के लिए जा रहे हैं। चलो जी हम खाना बना लेंगे। हाँ जी वो पीछे आ रहे हैं, पीछे वापस आ रहा है, वो जाता नहीं है। ले जाओ इसको खिलाओ। क्या नहीं आ रहा? सलाम करो। चलो ले जाओ इसको खिलाओ, खेलो जाकर साइकिल के साथ। हाथ पकड़ोगे ना उसका, उस्मान का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो उस्मान का। डाल रहे हैं घी, बस काफी है, महंगा घी है बस। थोड़ा तो जलता नहीं है। हाँ थोड़ा डाला करो। क्या है? हाँ उमर खाएगा, उमर कहते हैं मैंने भिंडो का सालन खाना है ऐसे। अच्छा जी अब स्कूल कब जाना है? हाँ क्या क्या सीखोगे? उमर कुटे नहीं ना बाद। अच्छा जी ये कल लेकर आए थे लेकिन आज तो गए नहीं। हाँ, क्योंकि आज ना बारिश वैसे आती रही है सारा दिन। अभी थोड़ी सी रुकी है, हमने कहा खाना बना लें। हाँ, सुबह से आना शुरू हुई है, अभी भी ये देखें ऊपर आसमान के ऊपर ना बादल छाए हुए हैं काले स्याह, तो कोई पता नहीं है हम ना खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि फिर बारिश ना आ जाए। वैसे भी लकड़ी गीली हो गई है, ये ना शबाना ना चाची की लकड़ी ना चोरी करके ले आई है। वो वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे कि हमारा ना शबाना लकड़ी सारा जला देती है। हम उधर जाते हैं शहर नहीं, में नहीं, मैं दो तीन लकड़ी ले आई हूँ बस, ना मोटे लकड़ी लगाएंगे ना आग अच्छी तरीके से जल जाएगी। क्या है मीना पसंद है? हल्की है खाना बना लेंगे, खाना बना लेंगे, बारिश अभी नहीं आती। थोड़ी देर पहले ना अच्छी खासी बारिश आई है, फिर रुक गई है। हमने कहा कि आज किचन में बनाएंगे लेकिन फिर बारिश रुक गई है, हम इधर बना रहे हैं खाना। ये देखिए आग का मसला है, ये लकड़ी गीली हो गई है ना, तो आसान। मैंने तो आपको कहा कि आज ना उधर गैस पर बना लो, आपने कहा कि नहीं अंधेरा होता है, वीडियो सही नहीं बनती ना। नहीं वैसे भी रोटी ना तवे की हम नहीं खाते ना, तंदूर की रोटी ठीक होती है। चलो मैं इसको उतार के फिर आग लगाती हूं। चलो खेलो जाओ सामान को भी साथ लेकर, ठीक है? हाँ क्या? फिर से जी हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई है और अभी खाना भी बनाना है ऐसा ना। हाँ जी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं बारिश की, इससे कुछ नहीं होता, ज्यादा ना आए। हाँ भिंडियां ना वैसे भी सब शौक से खाते हैं घर वाले। हाँ जी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। अम्मी को कहे कि आप ना उस्मान को ले जाएं, खाना हम बना लेंगे। हाँ जी। चलो फिर आटा निकाल के ले आओ, आटा भी गूंद लो। हाँ, तो ये तो जल्दी बन जाते हैं ना। मैं सिर्फ आप कुछ डाल के फिर चलती हूँ, आटा निकाल के ले आती हूँ। इसमें टमाटर भी काट के डाल देते हैं, आधा टमाटर काट के मैंने उस्मान को दिया है, खाता है शौक से।
फिर रात बज गई है, चल रही है लेकिन आगे आगे। साथ में चने डाली पहले भी मैंने डाली नहीं है अब। हाँ ये देखना नजर आ रही है। हाँ पहले काफी सारी भिंडियों में थी ना वो मैंने साथ। वैसे भी भिंडियों में ना जब तक सब्ज मिर्च ना हो ना मजा नहीं आता। हाँ आधे टमाटर ना उस्मान खा जाता है वो टमाटर। बड़े टमाटर काफी सारे हमारे पास पड़े हैं लेकिन मैंने दो डाले हैं बस, तो इसमें ये प्याज भी डाल देते हैं जिसमें लहर मैंने डाली। लाल मिर्च और जी नमक हल्दी सब कुछ डाल दिया है। इतनी देर भी लगती भिंडिया का सालन बनाने में। हाँ, जल्दी बन जाता। सुबह से वसीम भाई और सोनिया गए हैं तकरीबन 11 बजे के, तो अभी तक वो नहीं आए। वो फिर चले गए ना पप्पा के घर, पता नहीं है। सोनिया ने पेपर देना था आज, उसका पेपर था जी। तो उधर गए तो फिर मोटरसाइकिल वैसे था भी नहीं, शुक्र है कल सब्जी लेकर रख दी थी। ठीक है ये अच्छा किया था कल वो चावल भी ले आए थे सब्जी साथ ले आए थे, वरना आज तो ऐसे बैठे रहते भूखे। मोटरसाइकिल आज नहीं था हमारे पास। अभी जी आटा गूंद रहे हैं, मामू जी भी आए हुए हैं। वालेकुम सलाम। मामू कहता है कि हमने खाना बना कर खा कर आ गए हैं। हाँ मैंने पूछा मामू से, मैंने कहा आप लोग क्या बना रहे हैं, वो कहते मैं खा के आ गया। वाह जी वाह क्या बात है। हाँ जल्दी बना लेते हैं ना। तो आप आटा गूंदो, मैं सब वो देख लेता हूँ, सालन को देख लेता हूँ। तो माशाल्लाह से बिंदिया का सालन में तैयार होने वाला है, थोड़ी सी देर है। जल्दी पीवी है कहीं से बारिश फिर ना आ जाए। तो आज एक बात और है, जो बड़ा हमारा मुर्गा खड़ा हुआ था ना उसको बेच दिया है। हाँ अब्बू ने बेच दिया है। हाँ चाची ने उसको बेच दिया है। आपका जी सालन बनने वाला है थोड़ी देर, जल्दी आटा गूंदो, लगता है कि बारिश भी आ रही है। फिर नहीं बारिश आ रही है, हल्की हल्की आ रही है। चलो हम सालन बना लेंगे, रोटी बना लेंगे। फिर से मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है, बारिश का काफ़ी इम्कान है आने में। और जी अभी भेड़ बकरियों को उधर बांधा हुआ था, मैंने कहा इनको खोल कर अंदर बांध देते हैं, क्योंकि बारिश आ गई ना इनके बाल हैं बड़े बड़े, ये फिर भीग जाएंगी और इनको सर्दी लगेगी। इन्होंने पेट वगैरह भर लिया है। और कवे भी आज ना जल्द जल्दी घर जा रहे हैं, उनको पता चल गया है कि बारिश आ रही है, कहीं हम भीग ना जाएँ। वो देखें इस साइड पर भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने जा रही हो? दूध लेने जा रही हो? कहाँ से? अच्छा इधर से, उस घर से ऐसे। अच्छा जी हम ही उधर से लेते हैं, चलो ले आओ, बारिश ना आ जाए। इधर साथ हम साए बैठे हुए हैं ना, वो घर नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ से ये बच्ची आई हुई है माशाल्लाह से, ये दूध लेने जा रही है। और अभी इनको खोल कर ले जाते हैं। सुनाओ जी पेट भर लिया है? चलो जी इनको खोलते हैं अभी। तो माशाल्लाह से अभी जी तंदूरी को गर्म कर रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि भिंडियों का सालन बनाया ना थोड़ी सी आग जलाई है जी। तो फिर हमने क्या किया, तंदूरी गर्म नहीं। हाँ और आपको सालन दिखाते हैं कैसे बनाए माशाल्लाह से। ये देखिए बहुत ही प्यारा सालन बना हुआ है, थोड़ा सा आज चलो काफ़ी है। पक्की आती है। कौन कौन खाएगा? थोड़ा थोड़ा खा ले। ठीक है।
असल में प्यास नहीं थे, प्यास ख़त्म हो गया। वो देखें वो जा रहा है उस्मान बच्चे के पीछे, ऐसे इधर आओ। ये जी तरीका होता है। आग फिर जलाती है, मोटे लकड़ी है ना इसलिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंधेरा हो गया है अभी, एक घंटा ना सूरज में से रहता है। फिर वो बादल आए हुए ना। हाँ नजर लग गया रोटी को। अपनी तरह खुद कर रही है। मैं नहीं कर रही लेकिन कुछ लोगों ने की है तो मैं कह रही हूँ ना। अच्छा अच्छा, कमेंट पढ़ने आते नहीं इसको, किस लगा है? आपने मुझे बताया नहीं है। हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं। हाँ जी। बस बन जाएंगी रोटियां। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।